कर्नाटक में मंगलवार को बेंगलुरु में हुई भारी बारिश के चलते एक निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत गिर गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। हादसे के समय मलबे के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 13 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि 3 अभी भी मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ की टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बुधवार सुबह डॉग स्क्वाड की मदद भी ली गई। मलबा हटाने के लिए बड़ी मशीनों का भी सहारा लिया गया। इस घटना के बाद सियासी बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टी जेडीएस ने कांग्रेस पर बेंगलुरु की स्थिति को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा है कि आपने देखा होगा कि अन्य बड़े शहरों में भी हालात कैसे हैं। हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम इसे संभालने का प्रयास कर रहे हैं। डीके शिव कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी दी कि इमारत 60/40 जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।